नमस्कार दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारे पास 150 पल्सर आई हुई है 150 cc की। दोस्तों ये बाइक हमारे पास आई थी सर्विस करने के लिए, लेकिन दोस्तों इसमें एक समस्या है कि ये बाइक गियर में क्लच दबाने के बाद स्टार्ट नहीं हो रही है और थोड़ा को क्लच ऊपर की साइड दबा कर ले रहे हैं तो दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसमें जो क्लच का स्विच होता है उसमें समस्या होती है, लेकिन दोस्तों इसको देखिए किस तरीके से रिपेयर करना है और कैसे ये समस्या कर रही है बाइक। देखिए थोड़ा सा दोस्तों ये क्लच दबाकर ऊपर दबाएंगे तो गाड़ी देखिए दोस्तों इस तरीके से स्टार्ट हो रही है। देखिए इस तरीके से, मतलब थोड़ा क्लच दबाने के बाद थोड़ा ऊपर करेंगे तो ये बाइक स्टार्ट हो रही है। चलो तो दोस्तों देखिए इसका जो जुगाड़ है देसी जुगाड़, देखिए जो ये स्विच होता है क्लच स्विच जिसको बोलते हैं, इसको खोल कर दोस्तों पीछे की साइड में देखिए जिस इधर हम रेती मार रहे हैं इस साइड में लगभग इसको आधा कर लेना है। देखिए इस तरीके से आधा कर लेंगे रेती मार कर, अगर गलेंडर हो तो गलेंडर से ही मार कर इसको दोस्तों आधा कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये बाइक का ही ट्यूब है, ट्यूब इसमें दोस्तों हवा भरा जाता है, जो पिछले चक्के में होता है वो ट्यूब है, वही ट्यूब है। इसको दोस्तों जिस तरफ रेती मारे हैं उस तरफ नहीं, देखिए इसके अपोजिट मतलब उसके उल्ट पीछे लगाना है। उसके लगा कर थोड़ा दोस्तों एक थोड़ा फेविकिक दोस्तों इसमें लगा देंगे ताकि ये गिरे ना। देखिए इस तरीके से, उसके बाद दोस्तों इसको फिट कर देना। देखिए अब ये देखिए, देखिए दोस्तों ये दोस्तों आधा क्लच दबाने के बाद ही दोस्तों ये सेल्फ ले ले रहा है। देखिए दोस्तों ये छोटा सा समस्या था, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी परेशान कर रहा था, तो इसी तरह से दोस्तों आप भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि अगर इसको सही करने के लिए पूरा दोस्तों क्लच का लीवर ऊपर चेंज